वहीं बोकारो के रानी पोखर स्थित ठाकुर बांध में नहाने के दौरान दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग जुटे और शव को नदी से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त गोरांग और शिबू के रूप में की गई है, जिनकी उम्र 12 और 14 वर्ष है। शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या हुआ घटना? ये अभी हमको 10 मिनट पहले पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ घटना घटा है। तो साइकिल खड़ा है लवारिस में, उसमें दो बच्चे का डूबने का आशंका है। तो हम अपने गांव का एक बच्चा को बुला करके अपने स्तर पर इसको हम निकलवाने का प्रयास। कितना बच्चा होने का शंका है? शंका तो 3 बच्चा का है, क्योंकि 3 चप्पल है, साइकिल 2 है, ड्रेस भी 3 खुला हुआ। कहाँ के हैं ये बच्चे? ये बच्चे अभी 19 स्टेट का पता चला है। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित पालीग्राम में एक ही परिवार के 3 लोगों की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि तीनों मृतक घर के कुएं में डीजल पंप उतार रहे थे। इसी दौरान कुएं से निकलने वाली जहरीली गैस की वजह से वो बेहोश होकर कुएं के भीतर जा गिरे। आनन फानन में परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से तीनों को कुएं से बाहर निकाला और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। नालंदा जिले में पिछले 6 मार्च से लापता युवक का शव कुएं से मिला, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शव मिलने से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बीते 6 मार्च को 25 वर्षीय मधु यादव को पड़ोस के ही कुछ युवकों ने भोज खाने के बहाने घर से बुलाया था, जिसके बाद से वह लापता था। परिजनों ने अपहरण का मामला थाने में दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इसे लेकर बुधवार को भी परिजनों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। इनके निशानदेही पर गांव के ही एक कुएं से मधु का शव मिला। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 की तलाश जारी है। मेरे भाई कैलू यादव के पुत्र मधु यादव मेरा चचेरा भाई है, जो पचेतना खंडा के कुएं में मिला सर्व 6 दिन से गायब है। क्या लगता है, क्या मामला है? जमीनी विवादी है। गुमला में बीते दिनों हुए सड़े गले हालत में मिले शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए टांगी समेत अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। घटना 26 फरवरी की है, जब मृतक शादी समारोह में शामिल होने ईचा गोटू गांव पहुंचा था, जिसके बाद उसकी लाश मिली। मृतक की पहचान बसिया थाना क्षेत्र निवासी अमृत सोरेन के रूप में हुई थी। ईचा गोटू गांव में एक शादी का फंक्शन था। शादी के फंक्शन में अनइनवाइटेड लोग किसी गांव से बाहर से शादी में शामिल हुए और फंक्शन के दौरान ही जो है उस गांव में कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान सुरसेन सुरेन और अशियान दोनों मामा भांजा है, सडन प्रोवोकेशन में एक युवक के साथ झगड़ा हुआ और झगड़ा के क्रम में जो है ना शादी समारोह से कहीं दूर स्थल में जाके इन लोगों ने इनका निर्मम हत्या। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में घास काटने गई मुख बधिर युवती के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनचले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में उपद्रवियों ने दुकान में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले दुकान में तोड़फोड़ की और उसके बाद दुकान में रखे लगभग 1,00,000 रुपए के सामान लूट लिए। इतना ही नहीं, विरोध करने पर दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। बदमाशों की सारी करतूत CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इस मामले में पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, उसी दौरान लगभग 25 की संख्या में लोग दुकान में घुस गए और गाली गलौज करने लगे।
और बगल में एजुकेशन कोचिंग चल रहा है, जो बराबर झंझट होता है वहाँ पे लड़का लड़की के, कोई किसी भी कारण से बराबर होते ही रहता है। हम लोग ऐसे अंठिया दे के चलो भाई अपने आपस में है, अपना सुलझा हो जाएगा। लेकिन देखे जब लाठी डंडा शुरू हो गया आपस में, लड़का लोग दोनों ही दोनों तरफ से हो रहा था, जो भी हो है ना, हम नहीं जानते कौन किससे लड़ाई हो रहा था। हम गए छुड़ाने के लिए, उद्देश्य हम गए छुड़ाने के लिए, लाठी डंडा सब कुछ छीन रहे थे वो लाठी। धनबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसीबी की टीम ने अंचल विभाग के रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर मुनिंद्र झा को 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर जमीन म्यूटेशन के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। यही नहीं, साल 2016 में भी मुनिंद्र झा को 5,000 रुपये घूस मांगते गिरफ्तार किया गया था। घटना के संबंध में शिकायतकर्ता रोशन लाल अग्रवाल ने बताया कि अंचल कार्यालय में पदस्थापित मुनिंद्र झा उनसे एक जमीन के म्यूटेशन के एवज में 30,000 की रिश्वत मांग रहा था। इसकी सूचना उन्होंने एसीबी कार्यालय में दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जमीन का म्यूटेशन के लिए 48,000 रुपये मांग रहा था। कौन मांगा? कर्मचारी मुनिंद्र झा। तो उसके बाद यही एसीबी में संपर्क किए तो यहाँ डीएसपी साहब का ट्रांसफ़र हो गया, जो डीएसपी साहब पहले थे, तो वो बोले कि नया डीएसपी साहब आएंगे तब होगा, तो फिर नया डीएसपी साहब पिछला हफ्ता है तब गए। नालंदा में कोचिंग संचालक के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। गुरुवार को शिक्षक संघ विरोध मार्च निकालते हुए थाना पहुंचे, जहां संघ के सदस्यों ने थानाध्यक्ष से मुलाकात कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। संघ ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो शहर के सभी कोचिंग संस्थान 3 दिनों तक के लिए बंद रहेंगे। बता दें कि जिले के लहेरी थाना क्षेत्र स्थित मछली मंडी के समीप बदमाशों ने एक कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर उत्पात मचाया था। बदमाशों ने पहले सेंटर पर पथराव किया और फिर बाद में फायरिंग भी की। इस घटना में कोचिंग संचालक समेत 2 लोग जख्मी हो गए थे। हमारे शिक्षक साथी और मैनेजमेंट के साथी पर कातिलाना हमला हुआ है और अपराधियों ने हमला किया है, और वो जीवन मरण से जीवन ज्योति अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं, जो वीडियो वायरल हो चुका है। वो जीवन से जूझ रहे हैं, मौत से जूझ रहे हैं, और फिर भी प्रशासन सोया हुआ है। कल थाना प्रभारी से बात हुई, उन्होंने कहा हम गिरफ्तारी किए हैं, लेकिन हमारे शिक्षक साथी। पटना के रूपसपुर थाना का किन्नरों ने घेराव कर जमकर हंगामा किया। किन्नरों का कहना है कि वे लोग गोला रोड स्थित एक घर में बधाई देने मांगने गए थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने उन पर हमला कर लोहे के रॉड से पिटाई कर दी। इसमें 3 किन्नर घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और थाने ले आई। थाना में पहुंचने के बाद किन्नरों का गुस्सा फिर भड़क उठा और फिर उन्होंने पुलिस पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया। मेरे 3 किन्नर साथी बधाई में गए गोला रोड में एक फ्लैट में बधाई लेने, तो उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ था, लेकिन क्या बोलता, उसने बधाई नहीं दिया। अगर उसे बधाई नहीं देना चाहिए तो हाथ जोड़ के कह देता है मेरे पास औकात नहीं है किन्नरों को बधाई देने का, तो हम चले जाते। लेकिन उसने क्या किया, बड़ा सा लोहे का रड निकाल के तीनों किन्नरों पर इतना मारा। एक किन्नर का तो इतना हालत खराब है कि उसका आंख में इंजरी हो गया, उसका आंख, उसके आंख, उसके आंख। नवादा के नगर थाना परिसर में रखी जब्त गाड़ियों में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है।